सो हेलो एवरी वन कैसे हैं आप सभी लोग सो क्या आपको पता है कि ब्लेंडर में हमारे पास कुछ प्री मेड ऑब्जेक्ट एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि आपको नहीं दिखते क्योंकि आपको उसको इनेबल करना पड़ता है अगर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट ए ब्लेंडर में एंड शिफ्ट ए प्रेस करने अगर आप देखेंगे हमारे पास मैथ सेक्शन में आपके पास सिर्फ इतने टूल्स आते हैं एंड कॉप सेक्शन में हमारे पास सिर्फ इतने टूल आते हैं पर आपको पता है कि हम उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं सो उसके लिए आपको क्या करना है आपको जाना अपने एडिट में प्रीफ्रेंस में और प्रीफ्रेंस में जाने के बाद आपको जाना अपने आडोन सेक्शन में यहाँ पर लिखना है आपको एक्स्ट्रा और जैसे ही आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपके पास दो टूल यहाँ पे विजिबल होंगे पहला होगा एड कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट दूसरा होगा एड मैश ऑब्जेक्ट आपको दोनों ही इनेबल कर लेने एंड उसके बाद आपको दोबारा से प्रेस करना है शिफ्ट ए एंड शिफ्ट ए प्रेस अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके मैश के सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन और ऐड हो चुके हैं एंड सेम अगर आप कर्व के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन एड हो चुके हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैश के सेक्शन में जाता हूँ यहाँ पे मैं कोई सा ऑप्शन ले लूँ जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ गेयर के ऑप्शन अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ प्री मेड गेयर हाँ पे आ गए एंड उसके अलावा इन गियर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर आपको इसकी हाँ कुछ भी चेंज करनी है अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे कव में अगर आप जाओगे तो हमारे पास बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कवसलेबल्स हैं जैसे मैं यहाँ देख सक पा रहा हूँ तो इस तरीके से आप ब्लेंडर में इनेबल कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल अगर आप मोटिंग करते हैं एंड कुछ चीज क्रिएट करना सकते हो सकते हैं आप वहाँ पर कुछ जो ऑब्जेक्ट प्रीमेड आपके लिए बने हो उनका डायरेक्टली यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं तो इसी तरह की ब्लेंडर की टिप्स एंड टिप्स को जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सो थैंक यू गाइज